गाइस, ब्यूटी ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं जीत और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एलोवेरा फेसियल के बारे में, जो आपके चेहरे पर ग्लो ही नहीं बल्कि आपके चेहरे को गोरा बनाने के लिए बेस्ट है। इसके साथ ही रेगुलर इस्तेमाल के लिए मसाज क्रीम बनाने का तरीका भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा क्लेंजिंग। आप जानते हैं फेसियल का पहला स्टेप क्लेंजिंग का होता है। इसके लिए 2 चम्मच फ्रेश एलोवेरा जेल और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएंगे। फिर इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 5 मिनट के लिए हल्की मसाज करें। उसके बाद चेहरे को काटन से साफ कर लें। ऐसा करने से चेहरे पर जमी धूल मिट्टी और दाग धब्बे दूर होंगे। दूसरा स्टेप है स्क्रबिंग। अब चेहरे को स्क्रब के जरिए डेड स्किन और एक्स्ट्रा ऑयल हटाएंगे। स्क्रबर बनाने के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच ब्राउन शुगर और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल। उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके स्किन पर लगाएंगे। फिर इससे धीरे धीरे चेहरे की सर्कुलर मोशन में मसाज करेंगे। 2 से 3 मिनट तक ऐसा करने के बाद चेहरे को पानी से धोकर पोंछ लें। स्टेप तीसरा है स्टीमिंग। चेहरे पर स्टीम लेने से पोर्स खुल जाते हैं और उनमें जमी हुई गंदगी बाहर निकल जाती है। स्टीम लेने के लिए 1 बर्तन पानी गर्म करने के लिए रखें और उसमें किसी भी प्रकार का एसेंशियल ऑयल डालें। एसेंशियल ऑयल में आप बादाम ऑयल, नारियल ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल मिला सकते हैं या फिर गुलाब की पंखुड़ियां डाल दें। 3 मिनट तक भाप लें और चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। यह आपके पोर्स को कसने में मदद करेगा। अब जानते हैं मसाज क्रीम बनाने और लगाने का तरीका। मसाज क्रीम के लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच शहद मिलाएं। फिर उसमें 2 विटामिन ई कैप्सूल तोड़कर डालें। वहीं लाइटनिंग क्रीम बनाने के लिए 1 बड़ा चम्मच एलोवेरा जेल, 1/2 चम्मच शहद और 2 से 3 चुटकी हल्दी मिलाएं। इस क्रीम से चेहरे की 5 से 10 मिनट तक अपनी उंगलियों से मसाज करें। क्रीम को अपनी आंखों के आसपास के एरिया से बचा कर रखें। मसाज के बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें। चेहरे को पोंछने के लिए 1 नम कपड़े का उपयोग करें। अब अगला स्टेप है फेस पैक। 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच गुलाब जल और 1 चम्मच चंदन पाउडर या मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके पेस्ट बनाएं। ऑयली स्किन के लिए यह मास्क बहुत ही अच्छा है। उंगलियों से मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं। 15 से 20 मिनट तक मास्क को चेहरे पर लगा रहने दें। फिर गुनगुने पानी से चेहरे को साफ कर लें। अब लास्ट स्टेप है टोनर या मॉइस्चराइजर। चेहरे के पोर्स बंद करने के लिए टोनर लगा सकते हैं। देखिए, चेहरे के पोर्स बंद करने के लिए उस पर टोनर लगाएं। इसके लिए कॉटन बाल्स को गुलाब जल में भिगोकर पूरे चेहरे पर लगाएं। 5 मिनट के बाद चेहरे पर एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन मिक्स करके लगाएं। ध्यान रहे ग्लिसरीन की बूंदे कम ही रहे, नहीं तो इससे आपकी स्किन पर एलर्जी हो सकती है। आपके ग्लोइंग स्किन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपके चेहरे को गोरा बनाएगा। इसके साथ ही दाग धब्बे और पिंपल, झुर्रियां, एक्ने, इन सबको दूर करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।